नमस्कार विद्यार्थियों, हम अपनी कल की पूर्व क्लास में विशेषण पर चर्चा कर रहे थे और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमने कल की क्लास में विशेषण, विशेषण की परिभाषा, प्रविशेषण और विशेषण से जुड़े हुए प्रकार पर अध्ययन किया था और उसके पश्चात विशेषण के दो भेद भी पढ़े थे। आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं और पूर्ववर्ती पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमने गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ा और फिर संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ा था। गुणवाचक विशेषण में जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण, धर्म, आकार, स्थिति, रंग, रूप, दशा आदि का बोध करवा रहे थे, तो वही संख्यावाचक विशेषण जो है संज्ञा और सर्वनाम शब्द यानी कि विशेष्य की संख्यागत विशेषता बता रहे थे। और जैसा कि हम पूर्व ज्ञान के आधार पर भी जानते हैं कि संख्याएं दो प्रकार की होती है, निश्चित और अनिश्चित संख्या। तो निश्चित संख्याओं का बोध करवाने वाले विशेषण शब्दों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो निश्चित संख्याओं का बोध नहीं कराते हैं उसे आगे बढ़ते हैं। और विशेषण का तीसरा प्रकार हम ले रहे हैं परिमाण वाचक। परिमाण वाचक विशेषण जो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की मात्रा यानी कि नाप तोल आदि का बोध करवाते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मात्रा या नाप तोल भी विद्यार्थियों दो प्रकार से हो सकती है, जैसे निश्चित मात्रा और अनिश्चित मात्रा यानी कि निश्चित मापतोल और अनिश्चित मापतोल। तो परिभाषा के बतौर जैसे जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का नापतोल जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का नापतोल या मात्रा का बोध कराते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पांच मीटर कपड़ा तीन किलो चावल दो लीटर पानी तीन किलो आटा पांच
गज जमीन। दस किलोमीटर दूरी। 10 किलोमीटर दूरी बहुत घी, थोड़ा पानी, कम आटा, अधिक धन आदि उदाहरण। विद्यार्थियों, यहां पर हमने परिमाण, मात्रा या नापतोल से संबंधित वस्तुएं, चीजें रखी है और इसे हम दो प्रकार में देख सकते हैं, क्योंकि परिमाणवाचक, मैंने कहा परिमाण दो प्रकार से, यानी कि दो प्रकार के भेद होते हैं इसके, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। देखिए, जब निश्चित मात्रा या नापतोल का बोध होगा तो निश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहलाएगा, और जब निश्चित जो वस्तुएं हैं उनका बोध नहीं होगा, उसकी मात्रा या नापतोल निश्चित नहीं होगी, तब हम उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। इसके दो भेद किए जा सकते हैं। नंबर एक, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण, और नंबर दो, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए, हमने जो यहां उदाहरण लिए हैं उन्हीं को लेते हुए इन दोनों को समझ रहे हैं। हमने बात की कि यहां निश्चित का मतलब है मात्रा, वस्तुओं की मात्रा या नाप तो निश्चित होगा और अनिश्चित में निश्चित नहीं होगा। जैसे ये उदाहरण है, यहां पर 5 मीटर कपड़ा है, यानी वस्तु के रूप में कपड़ा है, और वो कितना है, 5 मीटर है। तो ये 5 मीटर निश्चित है, इसलिए ये उदाहरण किसमें जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। फिर 3 किलो चावल, 3 किलो चावल की मात्रा है वस्तु की, ये भी निश्चित है। 2 लीटर पानी, यहाँ 2 लीटर निश्चित है। 3 किलो आटा, 3 किलो यहाँ निश्चित है। फिर 5 गज जमीन, यहाँ 5 गज निश्चित है। 10 किलोमीटर दूरी, यहाँ 10 किलोमीटर जो है वो निश्चित है, इसलिए ये जो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आएंगे। उसके बाद अगला हम पढ़ रहे हैं अनिश्चित परिमाणवाचक, या कुछ उदाहरण हमने साथ में लिए हैं इसके, जैसे बहुत दूरी ले लें, या बहुत सा घी, घी जो है यहाँ वस्तु के रूप में, और यहाँ बताएगा बहुत कितना है, बहुत कोई मात्रा जो है निश्चित नहीं है, यह अनिश्चित है। फिर थोड़ा पानी, यहाँ थोड़ा मात्रा के रूप में, थोड़ी मात्रा है पानी की, और थोड़ी कितनी है ये कोई निश्चित नहीं। फिर कम, अधिक, इसी प्रकार जो लगभग होता है, जैसे 10-15 मीटर कपड़ा, जैसे 10 या 15 मीटर कपड़ा, तो भी वो भी लगभग में है, और लगभग वाली चीज भी अनिश्चित में होती है। इसके बाद हम अगला भेद ले रहे हैं इसका, विशेषण का चौथा प्रकार। विद्यार्थियों, हैं संकेतवाचक।
विद्यार्थियों, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की तरफ संकेत करता है उसे हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। और ये मूल रूप में जो शब्द होते हैं संकेत करने वाले, ये सर्वनाम होते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम सार्वनामिक विशेषण भी है। इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है क्योंकि ये संकेत करने वाले शब्द यानी संज्ञा या सर्वनामों की तरफ संकेत करते हैं, संज्ञा शब्दों की तरफ, वे मूल रूप में सर्वनाम होते हैं। संकेत करने के कारण जो है इसे संकेतवाचक और सर्वनाम से बने होने के कारण इनको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। परिभाषा देखते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम यानी कि विशेष, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की तरफ की ओर संकेत करते हैं उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। इसे सार्वनामिक विशेषण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मूल रूप में सर्वनाम से बना हुआ होता है। जैसे यह, वह, ये, वे, इस आदि आदि जो शब्द हैं ये मूल रूप में सर्वनाम में प्रयुक्त होते हैं और संकेत करने के लिए भी प्रयुक्त होते हैं, इसलिए विशेष्य की तरफ संकेत करने के कारण संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह पुस्तक मेरी है, उदाहरण के तौर पे यह से बना, यह पुस्तक मेरी है, वह घर रमेश का है। फिर बहुवचन के रूप में ये और वे से उदाहरण बनते हैं। और इससे, जैसे कि इस गेंद से खेलिए या इस गेंद को मत छुओ, ये जो उदाहरण है ये संकेत कर रहे हैं और संकेत करने के कारण जो है संकेतवाचक विशेषण है। और संकेत के अतिरिक्त ये जो है मूल रूप में अपने क्या है, ये सर्वनाम है और सर्वनाम होने के कारण जो है ये सार्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं। विशेषण के चार मुख्य भेद जो है विद्यार्थियों संपन्न हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वान जो हैं पांचवा और छठवा भेद भी विशेषण का मानते हैं। जैसे पांचवा प्रकार जो मानते हैं वो है व्यक्तिवाचक विशेषण। विद्यार्थियों, जब व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से कोई विशेषण बनता है तो उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाले विशेषण को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यानी व्यक्तिवाचक
वाचक संज्ञाओं से बनेगा उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण। आइए उदाहरण के बारे में या उदाहरण लेकर समझते हैं इसको कैसे संज्ञा से। जैसे कि हम देखते हैं उदाहरण, यहां पर मैंने उदाहरण लिया जैसे जयपुर। हम जानते हैं कि जयपुर क्या है, स्थान का नाम है, और स्थान का नाम जो होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। अब इसके साथ मैंने ई जोड़ दिया, ई जोड़ते ये हो गया जयपुरी। या इसे उदाहरण बनाया जैसे जयपुरी रजाई, ये संज्ञा शब्द है और मूल रूप में इसमें ये संज्ञा है, इसकी विशेषता जयपुरी बता रहा है। अब देखिए ये जयपुर जो है मूल रूप में क्या है, ये जयपुर स्थान का नाम है और स्थान का नाम हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेते हैं, और इसके साथ में ई जोड़ा है जयपुरी बन गया, और जयपुरी बनते ही ये रजाई की विशेषता बना रहा है, और जयपुरी क्या है यहाँ पर व्यक्तिवाचक विशेषण है। इसी प्रकार कश्मीरी सेब, कश्मीरी सेब, जोधपुरी कोट, ये जो है ये उदाहरण विद्यार्थियों व्यक्तिवाचक विशेषण में आते हैं। इसके अतिरिक्त छठवां भेद भी माना जाता है, वो इस प्रकार है भिन्नतावाचक। संज्ञा शब्दों में, संज्ञा शब्दों में भिन्नता का बोध कराने वाले, भिन्नता का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को भिन्नतावाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं यहां पर जैसे प्रत्येक, हर एक, ऐसे उदाहरण लिए जाते हैं। इसे अगर हम वाक्य बनाएं, इस घर के प्रत्येक व्यक्ति को बुलाना है, या प्रत्येक भिन्न भिन्न के लिए कहा जा रहा है, संज्ञा शब्दों में भिन्नता उत्पन्न की जा रही है। फिर है इस देश का हर एक नागरिक ईमानदार है, इस देश का हर एक नागरिक ईमानदार है, तो यहां हर एक प्रत्येक के लिए आ रहा है, इसलिए भिन्नता उत्पन्न हो रही है। विद्यार्थियों ये चार मुख्य भेद के अतिरिक्त दो भेद हमने अतिरिक्त जो कतिपय विद्वान मानते हैं उनको लिया है, और इसके अतिरिक्त विशेषण में पढ़ने योग्य बात होती है। जब हम गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं तो गुणवाचक विशेषण की तीन अवस्थाएं होती है, विशेषण की अवस्थाओं के रूप में जिन्हें पढ़ा जाता है। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की तीन अवस्था होती है, यानी कि गुणवाचक विशेषण को तीन अवस्थाओं के रूप में पढ़ा जाता है। नंबर एक मूलावस्था,
नंबर दो उत्तरावस्था और नंबर तीन उत्तमावस्था। विद्यार्थियों किस प्रकार से ये अवस्थाएं होती है हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे उदाहरण लिया हमने लघु, प्रिय, श्रेष्ठ। अब देखिए ये तीनों अवस्थाएं क्या होती हैं, इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं। विशेषण की मूल अवस्था, इसमें विशेषण सामान्य रूप में रहता है, शब्द जो है अपना सामान्य स्थिति में होता है उसे। जैसे यहां मोहन श्रेष्ठ बालक है, मोहन श्रेष्ठ बालक है, ये सामान्य स्थिति है। हम बात कर रहे हैं मूल अवस्था की। मूल अवस्था में विशेषण सामान्य अवस्था में रहता है, किसी के साथ में उसकी जो है श्रेष्ठता नहीं दिखाई जाती या कमी नहीं दिखाई जाती है, वो अपने सामान्य रूप में ही रहता है उसे। जैसे इस सामान्य रूप को हमने समझा लघु, प्रिय और श्रेष्ठ के माध्यम से। उदाहरण लिया हमने जैसे मोहन श्रेष्ठ बालक है। उत्तरावस्था, उत्तरावस्था में क्या होता है, विशेषण शब्द जो है वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए जब गुणोत्पाद होती है तो दो या तो दो व्यक्ति या दो वस्तु, उनसे किसी एक की तुलना होगी, किसी एक से तुलना होगी और तुलना करने के बाद में किसी एक को यानी उनसे एक को क्या किया जाएगा, श्रेष्ठ या कम साबित किया जाएगा या अच्छा या उनसे कम साबित किया जाएगा। जैसे लघु शब्द था तो इसमें हो जाएगा लघुतर, ठीक है। उसके बाद प्रिय शब्द था तो इसमें हो जाएगा प्रियतर, और जैसे श्रेष्ठ शब्द था तो इसमें हो जाएगा श्रेष्ठतर। उदाहरण के तौर पे जैसे मोहन सोहन से प्रिय है, प्रियतर है, श्रेष्ठतर है। उसके बाद में हम उत्तमावस्था की बात कर रहे हैं, विशेषण की तीसरी अवस्था उत्तमावस्था होती है। इसमें विशेषण यानी यानी एक वस्तु के बजाय सभी वस्तुओं या सभी लोगों में से किसी एक को सबसे अधिक यानी श्रेष्ठ या कम बताया जाता है, यानी सभी वस्तुओं या सभी व्यक्तियों में से किसी एक को श्रेष्ठ या कम साबित करना विशेषण की उत्तमावस्था होती है। इसमें जैसे लघुतम और प्रिय से प्रियतम और श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम। जैसे मोहन कक्षा के सभी विद्यार्थियों में श्रेष्ठतम है, यानी मोहन सभी से श्रेष्ठतम है, सभी एक तरफ हो गए और मोहन श्रेष्ठ है, वो सबसे श्रेष्ठतम है। यानी हमने कहा कि सभी यानी वस्तु या व्यक्ति सभी से किसी एक को सबसे श्रेष्ठ तय करना या सबसे कम तय करना। विद्यार्थियों ये थी विशेषण की अवस्था है।